गोरखनाथ थाना क्षेत्र के बरगदवा के पास एक बंद मकान में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तथा फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़कर किसी तरह से आग पर काबू पाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक ने बताया। हेलो, तीन सेट ऊपर का वो बनवाए थे। अरे पूरा मकान टच किया था, यही ना तो मकान उकान बनवा। पहले हुआ, उसके बाद में कहाँ से दयाराम सिंह। इसमें अब बिजली का शॉर्ट क्या लगा है, क्या सिलेंडर फटा है, दो तीन फायर हो गया बहुत धमाके की। वो टीन सेट पूरा उजड़ गया ऊपर का, और बिजली की वायरिंग वगैरह जितना फॉल्ट होकर के सब छू गया है। दरवाजा छूने लायक नहीं है और न बिल्डिंग छूने लायक है। अब इसके लिए अब क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आया। कोई डर के मारे कोई उनका दरवाजा नहीं छू रहा है, कोई घर में नहीं है पता है। फोन करके अपने ब्लॉक प्रमुख जी से पूछे हैं, वो कह रहे हैं नहीं गोरखपुर, वो दिल्ली चले गए हैं लड़के के पास। क्या करते थे ये? पहले वो तोपची थे। क्या नाम? दयाराम सिंह। राम सावंत बिशुनपुर, बिशुनपुर में इनका भी घर है, हमारा भी घर है। ये कहीं न्यू है, हम लोगों की सटी हुई है। साथ के विद्यार्थी थे वो भी। कितने देर से हो रहा है? ये हो रहा है करीब एक घंटा हो गया। एक घंटे से तीन फायर हो चुका है। इसमें बिजली का देखिए टावर तार सटा हुआ उनके घर के कोने में लग रहा है, उसी से फॉल्ट एक दिन और हुआ है। सारी बिजली के जितना वायरिंग वगैरह सब फॉल्ट हो गई है, जल गई है। मकान नहीं, दोनों मकान में कोई रह नहीं रहा है, सभी लोग छोड़ के बाहर भाग गए हैं डर के मारे।